देखिए, कल जो कार्यक्रम चल रहे थे, मूर्ति कल विसर्जन था, कुछ मूर्तियाँ निकल के जा रही थी, उसी दौरान इसी बात को लेकर के विवाद हुआ और रास्ते में एक मदरसा है वहाँ से उनका पथराव शुरू हुआ। उसमें फिर पथराव हुआ, कुछ तोड़ फोड़ भी हुई, शाकजनी भी हल्की फुल्की हुई। इसमें जो भी लोगों ने माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया है, एक एक व्यक्ति को चिन्हित किया जा रहा, कर लिए भी गए हैं, उनकी गिरफ्तारियां होंगी, रासुका में भी कार्रवाई होगी, गैंगस्टर में कार्रवाई होगी, जो संपत्ति का नुकसान हुआ है उसकी भी वसूली की जाएगी, बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इनको एक मैसेज भी दिया जाएगा कि भविष्य में इस प्रकार की कानून को अपने हाथ में लेने की कोई हिम्मत न करने पाए। कार्रवाई जारी है, फोर्स का पूरा डिप्लॉयमेंट है, पोजीशन 100% नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, कोई गिरफ्तारी हुई है? टोटल अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सर, हम खबर आई है क्या कुछ हमारे पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं? हाँ, इसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी हमारे घायल हुए थे, कुछ 8-9 पब्लिक के लोग भी इसमें घायल हुए थे, और जैसे 2 पुलिसकर्मी भी हैं, FIR दर्ज हो गई हैं, गिरफ्तारी चल रही हैं, लगातार 5 टीमें गिरफ्तारियों के लिए निकली हुई हैं और शाम तक काफ़ी संख्या में गिरफ्तारियाँ हो भी जाएंगी। अब तक 8 गिरफ्तार हो चुके हैं। जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको साया खुद किया, इसके पीछे हैं, एक एक को चिन्हित किया जा रहा है और सारी सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होगी।